गाय और ब्राह्मण दोनों का आदर कीजिए, दोनों का सम्मान कीजिए, दोनों की सेवा कीजिए। बोलिए गौ माता की, विप्र देवताओं की। ब्राह्मण समाज में आज भी ब्राह्मण अपने संस्कृति अपने संस्कारों को उन्होंने बचाए रखा है। आज आज के इस कलयुग में भी आज इतनी धार्मिकता है तो केवल इन ब्राह्मणों के कारण जिन्होंने बचाए रखा, वरना वरना आज समाज कहां चला गया होता। इसलिए वो ब्राह्मण जो मुगलों के द्वारा सारे विद्यालय सारे पुस्तकालय सारी लाइब्रेरियां जला दी गईं, जलाने के बाद भी उन विद्वान ब्राह्मणों ने उन संतों ने अपने कंठ में वेद पुराणों को रखा, पुस्तकें जल गई तो क्या हुआ, कंठ में तो है वो ज्ञान, वो बचाए रखा, बाद में फिर प्रकट किया। कितना हमारे देश में आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की। आज जितने वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ बचे हैं वो केवल आज भी ओमकारेश्वर क्षेत्र में कुछ गुरुकुल चल रहे हैं, विद्यालय गुरुकुल चल रहे हैं, जहां ब्राह्मण बटुक पढ़ रहे हैं और वो पढ़ करके देश का समाज का गौरव बचाते हैं, संस्कृति और संस्कारों को बचाए रखने की प्रेरणा समाज को देते हैं। इसलिए आप सब समाज के लोग गाय का आदर कीजिए, ब्राह्मणों का आदर कीजिए, ये संस्कारों को बचाए रखने में सबकी भूमिका है, सबका त्याग है, सबकी तपस्या है। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान जब गिरिराज जी को स्थापित किए और नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए, बाद में लेकर आए भगवान और सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया और वृंदावन का दर्शन जो है, ब्रजवासी कहते हैं लाला बैकुंठ से श्रेष्ठ वृंदावन है, वृंदावन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। आज भगवान गोपियों को रास के लिए आवाहन करते हैं, सारी गोपियों का है ना मैया, आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि आई तो आज यमुना के तट पर खड़े होकर अपने होठों पर बांसुरी रख के सुंदर सी बांसुरी गोविंद ने बजाई। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। गजब की बांसुरी बजती है, ठाकुर जी जब बांसुरी बजाए तो अद्भुत दिव्य ऐसी बांसुरी। यमुना के तट पर खड़े हैं, एक पांव को दूसरे पांव पर टेढ़ा सा रखा है श्याम सुंदर ने और गोपियां अपने काम में बिजी हैं। उन गोपियों का भगवान आवाहन कर रहे हैं, देवियों आओ आओ। सारी गोपियां भगवान को पुकारती हैं। जब भक्त भगवान को पुकारता है और कभी जब भगवान को पुकारना भूल जाता है तो भगवान कहते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी हमें पुकारा अब उन भक्तों को हम ही पुकार लेते हैं। भक्त भूल जाए तो भगवान याद कर लेते हैं।